हेलो दोस्तों, आज मैं पोहा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए चाहिए मुझे सामान, जो वो है पोहा, इसको चिवड़ा भी बोलते हैं, और तेल, नमक, और सब्जी में चाहिए बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक, नींबू, आलू, प्याज, और ये मूंगफली। और छौंका लगाने में चाहिए कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, लाल मिर्च, जीरा और राई। मसाला में चाहिए हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, हींग, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। हाँ तो दोस्तों, चूल्हा पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, अब इसमें तेल डालिए। आँच को थोड़ा हाई पे करने पर, तेल गरम होने के बाद उसमें मूंगफली को फ्राई करना है। हाँ तो दोस्तों, तेल गरम हो गया है, उसमें मूंगफली डालते हैं। मूंगफली को लाल फ्राई होने तक फ्राई करना है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा फ्राई हो चुका है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब तेल में तेज पत्ता डालना है, लाल मिर्च डालना है, कड़ी पत्ता डालना है, जीरा, सरसों। थोड़ा सा हींग, आंच को मीडियम पे रखना है। ये फ्राई हो जाए तो फिर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालना है। अब इसमें आलू डालना है। आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च डालना है। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है दोस्तों, सुबह बनाइए, शाम में बनाइए, कभी भी बना के खाइए, जब भी भूख लगे। टेस्टी भी, हेल्दी भी, सबको पसंद आता है। इसमें प्याज डालिए, फ्लेम थोड़ा सा हाई करके। टमाटर, शिमला मिर्च, फिर बंद गोभी। ये सब डाल के इसको मिला देना है। फिर हल्दी और नमक मिला देना है इसमें, उसके बाद थोड़ी देर ढक के पकाना है। नमक स्वादानुसार अपना पोहा
देखते हैं उसके अनुसार डालना है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको 5 मिनट पकने देते हैं ढक के, फिर इसमें मसाला डालेंगे। देखिए दोस्तों, बीच में एक दो बार इसको चलाना है, मतलब सब्जी गलने तक। अब थोड़ा सब्जी मसाला, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देना। फिर मिला के थोड़ी देर और सब्जी गलने तक ढक के पकाना है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा सब्जी पूरा बन के रेडी है। अब इसमें मूंगफली भी डाल देना है। अब आँच को स्लो कर देना है और इसमें पोहा को धो के इसमें डालना है। पोहा को धो के इसमें डाल देना है, फिर इसको मिला देना है। थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला दीजिए। पोहा बन के रेडी है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दीजिए। खाइए, सबको खिलाइए और बताइए कैसा बना। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।